that. Both of you, Valentine's Day around the corner. So what is the definition for love? अरे यार मेरे से क्यों पूछते हो पहले. हाँ लेडीज फर्स्ट. ओके हाँ. व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू मी? लव इज़ समथिंग दैट यू फील फॉर समवन वेरी स्ट्रांगली एंड यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट व्हाट यू फील फॉर दैट पर्सन. आई थिंक इट्स जस्ट अ फीलिंग और बहुत ही अच्छी फीलिंग है वो. नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब व्हाट हाउ लव फील्स. सो या दैट्स इट. सर्टेन क्वालिटीज होती है जो इंसान को अट्रैक्ट करती है. गर्ल अट्रैक्टिंग टू गाय एंड गाय अट्रैक्टिंग टू गर्ल. आपको कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट करती है जब यू गेट अट्रैक्टेड टू समबडी? व्हाट इज द क्वालिटी बेसिकली टू हिम और टू इन एनी इंडिविजुअल? पर्सनालिटी डेफिनेटली. सेंस ऑफ ह्यूमर. मैं अगर नॉट अबाउट हिम इन जनरल ना. हाँ हाँ हाँ. सेंस ऑफ ह्यूमर इधर थोड़ा. हाँ ओके. सो सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनालिटी, प्रोटेक्टिवनेस, केयरिंग and understanding. Caring obviously, protectiveness and personality. That's it. Sense of humor मेरे लिए इतना matter नहीं करता. मुझे बहुत matter करता है. Luckily थोड़ा सा इसलिए मैं खुद ही joke मार के खुद ही हंस लेती हूँ. पर जो quality आप बता रही हैं बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को ढूंढना आज के time में. क्या जो जो caring हो और अच्छा sense of humor तो ठीक है. sense of humor तो काफी लोग नहीं. sense of humor छोड़ के बाकी सब इसमें है तो मिल गया है मुझे. बोल तो दिया उसने. मुझे मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे दर्द से बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग मुश्किल से मिलता है. कहीं आपकी गर्लफ्रेंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? आप ये बोलना चाहते हो? यू नीड ब्रेन्स. You need brains. I'm feeling very bad for your girlfriend or wife या जो भी है जो ये देखने वाले हैं. Tell me one thing. When you were in the Big Boss show, I mean, जब आप लोग का सचमुच का प्यार था. आज तब अभी भी सचमुच का है. People में speculations था कि ये सब fake. Fake correct. हम ऐसे खड़े रहेंगे सबको लगेगा प्यार है. यार बिग बॉस में तो जब लोगों ने शुरू किया था मुझे तो मैटर कभी नहीं करा बिकॉज दुनिया क्या बोल रही है यार उनका तो काम है कहना. कहते हैं ना तो जो खुद को फील होता है मुझे पता था कि मैं इसके लिए कैसा फील करता हूँ. शी न्यू कि वो मेरे लिए कैसा फील करती. लोगों का क्या करना है. लोग तो बोलते हैं उनका काम है. People who speculated, they are not understanding and they have no brains. ऐसा नहीं है. जब क्या हम लोगों का ही रिलेशनशिप इतना जज करा गया है तो हम किसी और का क्या ही जज करेंगे. नंबर वन. और सेकेंडली आई थिंक ये रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है. उन दोनों को पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है. दुनिया बाढ़ में गई. दुनिया के लिए कभी नहीं इतना सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. बट वन मिनट यू फाइंड इट इंडिसेंट. बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं. सॉरी कट दैट आउट. बट माई ओनली थिंग इज दैट यू थिंक अभी आजकल के 14 या 15 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं दे आर नॉट डेटिंग. ऑब्वियसली वो भी डेट कर रहे हैं. दिस दैट ऑल ऑफ जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली हम एक शो पे हैं. इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू जज अस व्हेन दे देमसेल्व्स आर ऑब्वियसली डूइंग द सेम थिंग्स आउटसाइड. राइट. यार किस करना या हक कर लेना थोड़ा कोजी हो जाना इनडिसेंट नहीं होता. ये सब हम लोग शो पे थे तो लोगों का नज़रिया थोड़ा ऐसा हो जाता है. वो जज कर लेते हैं. बट आज की डेट में कौन नहीं करता ये सब. आज की डेट में क्या तब के डेट में भी करते थे. लेकिन जब कोई बात होती है ऐसी ट्रोलर्स के बारे में कहना चाहूँगा कि यू नो विदाउट एनी रीजन दे क्रिएट कंट्रोवर्सी. अभी हाल ही में आपने कहा लता जी के और शाहरुख का जो कंट्रोवर्सी हुआ क्या कहना चाहेंगे? कितना गलत बात है ये कि ट्रोलर्स टेकिंग आउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ व्हाट. Honestly, I think we should stop really giving so much of importance to trollers या फिर वो क्या लिख रहे हैं. जो आप जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो एक और फोटो बहुत वायरल हुआ था जहाँ आई थिंक शाहरुख इज़ प्रेइंग एंड हिज मैनेजर इज प्रेइंग विथ हर हैंड्स जॉइंट. सो इवन दैट वॉज दैट पिक्चर गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन एंड एवरी वन वॉज लाइक दिस इज़ हाउ इंडिया इज़.
So I feel we should start concentrating on the good things rather than what people are saying or the bad things. Absolutely. Absolutely. And good news is coming that unlock ho jane wala hai, you know, for the first week of March everything is going to open, and so what's my professional front end, how good news is this? I mean, it's good news. It's great news actually for not just us, for a lot of other people also. People who, I mean, work every day for daily wages and stuff. I think it's great news for them. And I think work front, touch wood, even now, work is going on for us. Work never stopped only during this specific... It did for a while, jab lockdown tha. But the, I think like our industry also takes a lot of precautions, take a lot of safety measures and stuff. So yeah, work is still going to go on. Lastly, OTT boom is there. I mean, OTT is a big boom for the new artist. And basically, you know, it's not so time consuming as compared to television. So what do you say? OTT तो आज की डेट में यार आई थिंक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज एक तो पैंडेमिक करके भी लोग दे आर नॉट गोइंग टू द सिनेमास टू वॉच फिल्म्स. अभी हम लोग देखते हैं कि अमेजोन पे कौन सी फिल्म आई है, नेटफ्लिक्स पे कौन सी फिल्म आई है. तो OTT का जो रीच है वो टेलीविजन से भी ऊपर हो चुका है आज की डेट में. एंड या दैट्स इट. हम टीवी में भी OTT वाले चैनल्स ही देखते हैं मोस्टली. एंड जो अभी सीरियल्स भी जो चैनल्स पे चल रहे हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाया जाता है, जैसे कि बिग बॉस भी. सो या आई मीन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो हम जैसे जैसे चेंज चीज़ें हो रही है ऑब्वियसली, हम भी चेंज हो रहे हैं. करेक्ट. थैंक यू.